अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत अच्छे। आज हम बनाएंगे कर्नाटक फेमस खीमे का सालन, और बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई करो। चलो शुरू करेंगे हम बनाना रेसिपी। ये है आधा किलो खीमा, और मैं इसको धो कर ले ली है। अब इसमें हम डाल कर लेंगे पहला जो मसाले, इसमें डाल कर लेंगे हम पहला नमक। अब इसमें डाल कर लेंगे हल्दी, अब मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जो इसमें अब सब मसाले हमने डाल कर ले लिए हैं। चम्मच से पूरा खीमे को हम ये जो मसाले लगा कर लेंगे, जो ये हल्दी मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर जो खीमे में मिक्स करते हैं, तब खुशबू माशाल्लाह बढ़िया आ रही है। और इसको हम पहले अच्छी तरह गला कर लेंगे, बाद में जो भी मसाले हैं आप देख लो। ये हो गए हैं। अब पहले हम तेल को गरम कर लेंगे। गैस को हमने चालू करके ले लिए हैं। इस पर रखेंगे हम पहला कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम डाल कर लेंगे पहला तेल। तेल पूरा गर्म हो गया है, तो हम मिलाएंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये अदरक लहसुन भी हम इसमें लगा कर लेंगे। पूरा जो अदरक लहसुन हम इसमें लगा कर लेंगे, दो चम्मच भर कर फ्रेश पिसा हुआ अदरक लहसुन, वो जो पैकेट का अदरक लहसुन जो मिलता है उससे खुशबू इतनी खास नहीं आती है, उसके लिए थोड़ी मेहनत लगी तो चलेगा। घर में पिसा हुआ अदरक लहसुन से टेस्ट बनता है खाना, जो भी खाना बिरयानी चिकन मटन को घर में पिसा हुआ अदरक लहसुन से टेस्ट लगता है। अच्छा है। अब इसमें हम खीमे को पूरा डाल कर लेंगे। अब इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालने का, सिर्फ इसमें हम प्लेट को ढक्कन को ढक कर रखेंगे, जब तक हम प्याज बीज काट कर तैयारी कर कर लेंगे। अब इसको हम चेक करेंगे, इसको देखेंगे अच्छे से खेमे को गलने का है। बगैर पानी के ही, मसालों के पानी से ही पूरा आधा पक चुका है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालकर और इसको पकाएंगे। थोड़ा मतलब पहले हम इसमें जो गरम मसाले डाल कर देंगे, दालचीनी, साजीरा, हरी इलायची, काली मिर्च का पाउडर, खीमे को अच्छे से गलने के लिए हम इसमें ये वाटका भर कर पानी डाल कर लेंगे और इस पर प्लेट ढकेंगे हम। पक चुका है, अब इसमें हम डाल कर लेंगे प्याज। दो प्याज को मैं दो बड़ी प्याज को काट कर इसमें ले ली है, एकदम बारीक बारीक। अब इसमें हम पूरा खीमे में अब मिला कर लेंगे। पहला खीमे में प्याज नहीं गरम बना कर ले लेंगे, ये खीमे का टेस्ट ऐसा है, आप एक बार ज़रूर ये खीमा बनाइए। और इसमें अब डालेंगे हम कोती में मिर्च और प्याज को पूरे खीमे में अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे। और इसको अब स्लो आंच पर एकदम पकाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा जो तेल ऊपर आता है उसके लिए तेज आंच करने को स्लो पर ढक्कन पर ढक कर स्लो पर रखेंगे इसको।
पूरा पक चुका है, पूरा खेमा रेडी हो गया है माशाल्लाह। खुशबू और वो पूरा जो उसका तेल तेल भी छूट गया है इसको अच्छे से, और इसको हम निकाल कर लेंगे। हम इसको खाएंगे हम रोटी में। बिस्मिल्लाह। हो गया है पूरा बनकर तैयार खीमे का सालन कर्नाटक का। और वीडियो पूरी देख लो है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।